529 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। हम वर्गमूल को कैसे लिखते हैं, अंडूर से लिखते हैं, और यहाँ पर मैं भाग विधि काम में लेने वाला हूँ, यानी डिवीजन मेथड। भाग विधि में हमें क्या करना है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। यह दो अंक का जोड़ा बन गया, फिर अंदर में एक अंक की संख्या कितना रहा है, 5। इसके लिए एक संख्या का चुनाव करेंगे, ये संख्या लेंगे हम 1 से लेकर 9 तक, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर हम 5 के नज़दीक पहुँच जाएँ। जैसे 2 गुणा 2 लिया कितना गया, 4। देखिए 5 से छोटा है और 5 के नज़दीक, यानी 5 से बड़ा ना हो, ये ध्यान रखें। आगे 3 गुणा 3 लेते हैं कितना रहा है, 9, जो कि 5 से बड़ा है, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। कितना आ गया, 4। एक और इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे, फिर इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। ऊपर से जो 2 अंक हमने अंडरलाइन किए उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। अब क्या करें, लगाओ दिमाग, इसके साथ कौन सी संख्या रहें उसी का गुणा करें कि 129 से बढ़ाना है। तो हमने लिया 3, 3 का गुणा किया, 3 गुणा 3 9, 4 3 12, किसको लिया 3 को, तो एक बार यहाँ ऊपर लिख दो, फिर घटाया क्या आ गया, 0 0 आ गया, मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जो वैल्यू बना है कितना है, 23, यह आपका क्या है, आंसर है। ओके, आसान है, तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।